खबर यूपी के श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां पर सरयू नहर से बरामद हुई 65 वर्षीय बुजुर्ग की लाश। बताया जा रहा है सौंस के दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में डूबने से हुई बुजुर्ग की मौत। घर से दवा कराने के लिए निकले थे मंदबुद्ध मृतक बुजुर्ग, परिजन कर रहे थे अस्पतालों में तलाश, आखिरकार नहर से मिली लाश। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां पर गिलौला थाना क्षेत्र के भौसावा सरयू नहर के पास यह घटना घटी। बताया जा रहा है कि घर से बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका मानसिक संतुलन सही नहीं था, दवा कराने के लिए निकले थे और शौच के दौरान वो गहरे पानी में चले गए, जिससे डूबकर उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहले उनकी शिनाख्त कराई, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनवा के नेवरिया गांव का निवासी बताया जा रहा है मृतक बुजुर्ग, जिसकी लाश गिलौला थाना क्षेत्र के भौसावा सरयू नहर के पास से बरामद हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो परिजनों में कोहराम मचा। घर से दवा कराने के लिए बुजुर्ग निकले थे और नहर में डूब कर उनकी मौत हो गई। ऐसे में उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिर दवा कराने के लिए, फिर बाकी कुछ पता नहीं चला। फिर शाम को 3 बजे जब फोन किए घर पे, तो वहाँ बोले कि अभी नहीं आए। फिर तब हम इधर आए यहाँ पर भिंगा में, भिंगा से फिर इधर नहीं मिले कहीं, तो फिर वापस गए सोनवा, सोनवा अस्पताल में ढूंढे, वहाँ भी नहीं मिले। फिर तब तक शाम हो गई, फिर वापस घर पे आए, इधर उधर ढूंढा और फिर सुबह हुआ। सुबह के बाद हम जा रहे थे बहराइच, बहराइच जा रहे थे, बहराइच से पहले जो बिकौली नहर है वहाँ हम लोग लेटरिन करने रुके, तो वहीं से पता लगा। किसने आपको फ़ोन किया, कैसे पता चला? वो जो मछली मार रहे थे उन लोग बताया।